नमस्कार फ्रेंड्स, राइट विथ प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट साइज फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो आप किस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो है और ये देख रहे हैं आपके हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड किस प्रकार से चेंज करेंगे वो भी बिल्कुल आसान तरीके से नए आदमी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। आपके पास जो भी फोटोशॉप है उसे आप ओपन कर लीजिए। हमने फोटोशॉप 7.0 को ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हम उस फोटो को ओपन करेंगे जिस फोटो का हमें बैकग्राउंड चेंज करना है, उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमने एक फ़ोटो ले रखा है जो पहले से ही यहाँ पर, उस पासपोर्ट साइज फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है हम चेंज करेंगे और उसे साइज भी देंगे कि पासपोर्ट साइज क्या है। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोटो है, सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर देंगे पासपोर्ट साइज़ के अंदर। तो पासपोर्ट साइज़ के अंदर क्रॉप करने के लिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये टूल है जिसे हम क्रॉप टूल कहते हैं। उस क्रॉप टूल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्थ, हाइट और रेजोल्यूशन है, इनको हमें चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो विड्थ है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है वो 1.5 होती है, तो हम 1.5 कर लेते हैं। और ऊपर से नीचे तक जो होती है हाइट, उसको हम 2 कर देते हैं। 2 करने के बाद रेजोल्यूशन जो फ्रेंड्स है, हमको 300 यानी कि 300 रखना है। हमने 300 इसका रेजोल्यूशन कर लिया है। और उसके बाद में फ्रेंड्स क्या करना है, जब ये तीनों कंप्लीट हो जाए उसके बाद में इसको आप क्रॉप कर दीजिए जितना आपको रखना है। तो फ्रेंड्स, हम इसको सही ढंग से क्रॉप कर लेते हैं कि हमें कितना पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो रखना है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में हम एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। एंटर बटन प्रेस करते ही ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो के अंदर कट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, चूँकि पासपोर्ट साइज फ़ोटो किस प्रकार से बनाना है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि उसका बैकग्राउंड हमें कैसे चेंज करना है वो चीज़ में है, ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग करने के बाद में आप इसकी फ़ोटो की जो है ब्लैकनेस है, जो ब्राइटनेस है, उसको आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाइटली कर लेता हूं और मैं इसका लेवल्स के द्वारा थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट जो है वो सेट कर लेता हूं। अभी रेड कलर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो मैं यहां से रेड कलर चूज़ करूंगा और रेड कलर थोड़ा सा कम कर दूँगा। तो इस प्रकार से मैंने इसका रेड कलर जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा कम कर लिया है। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसका सिलेक्शन कर लिया है। और कोई भी आपको करेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन करना सीखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ से आप फोटो के फिल्टर्स, फोटो को किस प्रकार से आप करेक्शन कर सकते हैं वो आराम से देख सकते हैं। कंप्लीट फोटोशॉप पूरा आप सीख सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, ए से जेड तक हैं। नए लड़कों के लिए भी बताया हुआ है, बिल्कुल जो नए हैं उनके लिए भी हमारी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। फोटोशॉप को समझना और समझने के बाद उस पर काम करना, बिगिनर टू एडवांस पूरा कंप्लीट वीडियो जो है हमारे फोटोशॉप पर चैनल पर डाला गया है, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं इसका बैकग्राउंड किस प्रकार से चेंज करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम पेन टूल से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, और पेन टूल के अलावा हमारे पास ऑप्शन है लासो टूल और मैजिक टूल। मैजिक टूल तभी काम करता है जब बैकग्राउंड प्लान हो और उसे हमें सिलेक्शन करना हो और चेंज करना हो। अभी हमारा बैकग्राउंड प्लान नहीं है तो हम मैजिक टूल से काम नहीं कर पाएंगे। आप पेन टूल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप पॉलिंग लासो टूल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर, ये लासो टूल है, यहाँ पर लासो टूल है, पॉलीएंगल लासो टूल और मैग्नेटिक टूल है। मैग्नेटिक टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं जब आपका कलर फास्ट आपको दिख रहा हो, वरना ये इधर उधर कटिंग हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पॉलीएंगल लासो टूल का ही आप प्रयोग करें, जो कि बेहतर है। सभी फोटोग्राफर्स या सभी जो एडिटर है वो करते हैं। तो हमने इसको जूम कर लिया है फ्रेंड्स, अब हम इसको एक सिरे से सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ से, और उसको हम आराम से सिलेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ, तब तक आप जो हैं देखते रहिए इसको। तो दो एक सेकंड में मैं इसको कर लूँगा, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। और मैं इसको
थोड़ा सा आराम से करना फ्रेंड्स। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप कटिंग करें तो आपको अपनी जो बॉडी पार्ट है उसको कॉर्नर पे लाइट करना, बार वाला पोस्ट जो है वो आपको नहीं लेना है, जो फोटो जो है उसी को आप थोड़ा सा शोल्ड केयर करना है ताकि आपकी जो है बॉर्डर है वो एकदम आराम से और शानदार तरीके से दिखे, फोटो जो है वो आपका ख़राब ना हो। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बैकग्राउंड जो है इसका सेलेक्शन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको बार से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सेलेक्शन जो है वो बन गया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेदर देंगे तो आप राइट क्लिक करेंगे और ये पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर फेदर लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1.5 जो है वो आप फेदर दे देंगे। अगर बड़ा फोटो आप बना रहे हैं तो आप 2 का फेदर भी दे सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट साइज में 1.5 का ही फेदर रखे बेहतर हैं, और ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद में आपका ये जो बैकग्राउंड जो है वो पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें जिस कलर का बैकग्राउंड आपको देना है वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पर 2 कलर है, ऊपर वाला और नीचे वाला, फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड, ऊपर वाला आगे वाला और पीछे वाला है वो बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड का कलर जो है आपको जैसा कलर रखना है वैसा आप रख सकते हैं। मैं लाइट थोड़ा सा ब्लू कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और डिलीट बटन दबाना है, कंट्रोल डिलीट। जैसे ही आप कंट्रोल डिलीट बटन दबाएंगे तो इसका बैकग्राउंड जो पीछे का है वो चेंज हो जाएगा। अब आप क्लिक कर लीजिए, डीसेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल डी और सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी पासपोर्ट साइज का फोटो जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से वापस कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से कर लिया, कंट्रोल डिलीट प्रेस किया और ये चेंज हो गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप पासपोर्ट साइज फोटो का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आगे किस प्रोसेस में आपको बनाना है ये देखने के लिए आप जो आई बटन में वीडियो है वो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप 4x6 में 8 पासपोर्ट साइज या फिर इससे अधिक बड़ी साइज में 8x12 में और भी अधिक पासपोर्ट साइज फोटो हैं वो आसानी से एक क्लिक में किस प्रकार से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। फोटोशॉप सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।